हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपकी बॉन्स और आपकी जॉइंट के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर से तो अपने आप को फिट कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन बॉन्स और जॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं कि आपको खुद को पता है 20 साल की एज, 25 साल की एज, 30 साल की एज में लोगों को जॉइंट और बॉन्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी वो चीज़ें ऐड करते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में, और क्या उसके लिए हम जो विटामिन है जो भी मैं आपको बताऊंगा हम ऐड करें तो हमारी ये हेल्दी रह सकती है, हमारी बॉन्स और आपकी जॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं यहां पे कि मेरी वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद आप क्लियर हो पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे जो भी बताऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे नॉलेज के साथ में दे रहा हूं। उसके अलावा हर्बललाइफ प्रोडक्ट्स के अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं यहां पे उनके बारे में बात करूंगा, जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम के बारे में। तो मैं आपको एक चीज कहता हूं कि हर्बललाइफ न्यूट्रिशन कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई वेट लॉस, कोई वेट गेन, कोई बीमारी सही नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके नीज का ऑपरेशन की प्रॉब्लम है तो आप उसको लें। यहाँ पे क्लियर बात करूंगा, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में बॉन्स और जॉइंट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की आपको नीड रहती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपकी बॉन्स और जॉइंट अगर वीक हो रही है तो आपको जरूरत है मिनरल्स और वाइटामिन की। सिंपल सा लॉजिक है जो आपको फॉर्मूला वन के अंदर मिल जाते हैं और लगभग डेली की आपको रिकमेंड होती है, मतलब डेली की जो आपको नीड रहती है वो होती है आपकी लगभग 1200 मिलीग्राम जो आपको वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से चाहिए, जॉइंट्स और बॉन्स के लिए मैं बात करूंगा। फर्स्ट यहां पे बात करता हूं मैं कैल्शियम। आप सभी को पता है कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट आपकी बॉन्स की बात, बॉन्स की स्ट्रांगनेस के लिए, आपके तित के लिए, ऑल ओवर बॉन्स के लिए है ना, तो वहां पे उसके लिए जरूरत होती है। अब कैल्शियम की हम कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, देखिए कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो आपको सभी को पता है सबसे फर्स्ट नाम आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आप ऐड कर सकते हैं लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड, जहां पे आपको जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब जस्ट इमेजिन मैं आपको बताऊं कि एक ग्लास अगर आप मिल्क ऐड करते हैं आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर तो उसके अंदर आपको लगभग 300 mg आपको कैल्शियम मिल जाएगा नॉन फैट। ओके, नॉन फैट की बात करूंगा यहाँ पे मैं, जो फैटी वाले जो मिल्क होगा मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप भले नॉन फैट यूज कर रहे हैं या फैट वाला यूज कर रहे हैं, कैल्शियम की जो जो वो होती है उसके अंदर क्वांटिटी वो कम नहीं होगी। आपको एक ग्लास के अंदर लगभग आपको 300 mg आपको कैल्शियम मिल जाएगा और हमें जो डेली जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम प्योर होती है 1000 mg सॉरी। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा ग्रीन लेफी, ग्रीन लेफी लाइक आप ग्रीन वेजिटेबल्स फोकस करते हैं, ग्रीन लेफी सरसों की सब्जी हो गई, स्पिनेच हो गया, ये सारी चीजें इनके अंदर आपको भरपूर क्वांटिटी के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। तो डेली रूटीन लाइफ में आप लंच डिनर के अंदर आप ग्रीन लेफी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा टॉफू, टॉफू के अंदर भी आपको कैल्शियम मिल जाएगा, सोया प्रोडक्ट्स। तो ये जो 3 से 4 न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, फूड बताया सॉरी, इनके अंदर आपको कैल्शियम आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा जो आपकी डेली बेसिक की नीड को पूरा कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो मैंने अभी आपको ये सारे न्यूट्रिशन बताया, सारे फूड्स बताए हैं। ओके, दूसरा यहां पे मैं बात करूंगा विटामिन डी। हम लोग बहुत सी ऐसी गलती करते हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में विटामिन डी की हम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन डी बहुत बड़ा एक सोर्स है, बिकॉज अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी अगर आपकी डाइट के अंदर नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी, अगर आपकी डाइट के अंदर वही नहीं है तो फिर कैसे आप कैल्शियम तो ले रहे हैं और वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे आपकी बॉडी को वो इंप्रूव करेगा, आपकी बॉन्स को, आपकी जॉइंट को इंप्रूव करेगा। ओके, तो आप ऐड करें विटामिन डी। विटामिन डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, विटामिन डी आप फैटी फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फैटी फिश ले सकते हैं, एग के अंदर विटामिन डी होता है, मिल्क यानी कि आप मिल्क ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको कैल्शियम भी प्रेजेंट है और विटामिन डी भी प्रेजेंट है, तो आप विटामिन डी वहां से भी ले सकते हैं। और मिल्क में आपको रिपीट कर रहा हूं, नॉन फैट आप यूज कीजिए, फैटी वाला सैचुरेटेड फैट वाला आप मिल्क यूज ना करें। उसके बाद कर्ड, अब कर्ड के अंदर आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, कैसीन भी है उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाता है, उसके बाद उसके अंदर विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि विटामिन डी भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
तीसरा यहां पे मैं बात करूंगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो जो अगर विटामिन सी कमी होती है तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। विटामिन सी की अगर आपको कमी है तो यानी कि आपको अर्थशिष्ट यानी गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जान के थोड़ा सा हैरान होगा, लेकिन विटामिन सी भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज मीन कि आपने देखा होगा अक्सर जॉइंट्स के लिए, यानी कि आपका जो नी जो कैप होता है, नी जॉइंट होता है, वहां पे बहुत से लोगों को वहां पे दर्द होता है, वहां पे गठिया प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्टिलेज की कमी है, विटामिन सी की कमी है आपकी शोल्डर्स में, आपकी हिप बोन्स के लिए, हर जगह विटामिन सी यानी कि कार्टिलेज की कमी होती है, तो विटामिन सी की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी नहीं है, क्लियर में बात करूं, तो आपकी कार्टिलेज यानी कि जो ग्रीस है वो खत्म होगा, और जब वो खत्म होगा तो आपके फिर ये जॉइंट प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे, गठिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाएंगे, अर्थशिष्ट की प्रॉब्लम। इसलिए विटामिन सी के लिए आप डाइट में क्या ऐड कर सकते हैं? सिट्रस फूड्स, ऑरेंज, टमाटर, उसके बाद पालक, उसके बाद हम बात करते हैं लेमन, पाइनएप्पल, ये जो विटामिन सी वाले फूड है ये आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जिससे आपकी जो एक रिक्वायरमेंट होती है पूरी, मतलब जो डेली रूटीन की, वो आपको मिल जाएगी और वो पूरी हो जाएगी, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि कार्टिलेज कैसा होता है। कार्टिलेज जैसे कि आपकी जो ये कान है, कान का जो ये आपका जो होता है ना मांस, मतलब कि ये जो पार्ट है, वैसा ही आपके जॉइंट्स के बीच में बना होता है कार्टिलेज। जैसे अगर आप मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप कोई दीवार बना रहे हैं, अब दीवार बनाए तो आपने ईंट लगाई, अब ईंट के बीच में आपने मसाला लगाया सीमेंट का, मतलब सीमेंट का मसाला लगता है, फिर उसके ऊपर ईंट रखती है, तो वो क्या करती है, उसको पकड़ के रखती है। वैसे ही आपके एल्बो बोन्स, आपके शोल्डर, इनके बीच में इसी टाइप से कार्टिलेज होता है जो आपके उसको पकड़ के रखती है। अब वो घिसेगा तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो विटामिन सी ऐड करें, विटामिन सी की जो फूड्स है वो ऐड करें। आपने देखा होगा अक्सर बीच में जब कोविड के टाइम में लिम्सी बहुत ज़्यादा चली थी, विटामिन सी वो आपके लिए बेस्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, विटामिन सी लिम्सी, ओके, आपको मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब विटामिन के में अगर मैं बात करूँ तो वही बात आ गई कि आप ग्रीन लैफी, जो सरसों, स्पिनेज, पालक, ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मीट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसके बाद आप चीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। चीज़ को आप ऐड कर, चीज़ को मैं डेली तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि चीज़ के अंदर थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कभी कभार आप चीज़ को ऐड कर सकते हैं। चीज़ के अंदर बहुत सी दूसरी चीज़ें मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाता है, हेल्दी फैट के लिए भी बढ़िया है, और विटामिन के भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद एग्स, एग्स के अंदर भी विटामिन के होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि मैं आपको एग्स के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप उसको होल एग के आप 5-6 अंडे डेली ले रहे हैं, नहीं, अगर आप पूरे अंडे ले रहे हैं, मतलब योग पार के साथ दे रहे हैं, तो 2 अंडे अगर आप डेली ले रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, 2 अंडों का योग पार आप डेली खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, ओके। ऐसा नहीं है कि आप दबा के खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, जो आपकी हार्ट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा, तो आप थोड़ा सा लिमिटेशन में आप उसको ऐड करें। तो विटामिन के ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, सॉरी आपकी बॉन्स के लिए, आपकी जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो मैंने विटामिन्स बताए, विटामिन्स और मिनरल्स बताएं, ये आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके, जिससे क्या होगा, आपका जॉइंट्स, आपकी जो बॉन्स है वो स्ट्रांग रहेगी, तो आप नेचुरली आराम से पूरा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी आपके मूवमेंट्स होते हैं, क्या आपको अवॉइड करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके जो बॉन्स प्रॉब्लम है और आपकी जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो नहीं हो। फर्स्ट मैं यहां पे बात करूंगा सोडियम। अगर आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ना, लोग बच्चे आजकल गली मोहल्ले फास्ट फूड हर जगह थैले लगे हैं, वो खाते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, सोडियम बहुत ज्यादा, डीप फ्राइड ऑयल उनके अंदर जो तले हुए बहुत ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हाई सोडियम। अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई सोडियम जा रहा है तो फिर आपके लिए डेंजर है, तो आपको आगे चल के अर्थशिष्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको ऑलरेडी अगर जॉइंट प्रॉब्लम है और आप अभी भी सोडियम ले रहे हैं, हाई सोडियम पे हैं, तो भैया आप गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी आपको डायरेक्ट आपको अर्थशिष्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोडियम को आप कम कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, और अगर आपका बढ़ा हुआ है सोडियम, अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, पोटेशियम वाले, यानी कि आप बनाना ऐड कर सकते हैं, पोटैटो ऐड कर सकते हैं, इस टाइप के फूड, पोटेशियम हाई होगा, इंक्रीज बढ़े, मतलब पोटेशियम को अगर बढ़ाएंगे तो आपका जो सोडियम है सोडियम कम हो जाएगा, ओके। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको सोडियम की क्वांटिटी कम रखनी है, बिकॉज क्योंकि सोडियम क्या करती है, जब आपकी आपने मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वाटर रिटेंशन कैसे होता है।
अगर आपकी डाइट में सोडियम है तो क्या होगा, किडनी है उसको फिल्टर नहीं करेगी, किडनी क्या करेगी आपके पानी को होल्ड करेगी। अब पानी को होल्ड करेगी तो कहां पहुंचेगा, आपकी नी में, जॉइंट में, जहां पे आपको पानी होता है, पानी जम जाता, वो फिर क्या करेगा, अर्थरेसिस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम। तो आप कम करें अपनी डाइट के अंदर सोडियम, ओके। दूसरा कैफीन, बहुत लोग कैफीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो कैफीन क्या करता है, कैफीन डायरेक्ट आपके कैल्शियम यानी कि आपकी बोन्स को डायरेक्ट वीक करता है। अगर आप हाई क्वांटिटी में कैफीन ले रहे हैं तो आपके लिए नुकसान है। जैसे कि अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं तो एक अफ्रेश की एक चम्मच एक ग्राम की होती है, अब उसके अंदर 40 mg आपको अफ्रेश मिल जाता है। डेली रिकमेंड आपकी कितनी होती है अफ्रेश कैफीन की, 300 mg। तो आप आराम से अगर 6 स्पून भी ले रहे हैं तो आप आराम से उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कैफीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अफ्रेश लेने के बाद में भी आप कैफीन ज़्यादा लेते हैं, जिससे क्या होता है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो बॉन्स है वो वीक हो सकती है। तो आपने चेक करना है कि आपको कैफीन कितना क्वांटिटी दे रहा है। अगर 6 स्पून अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं तो उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसके अलावा कोई कैफीन लें, ओके। तो आपने ध्यान रखना है कैफीन का भी। तीसरा, यहाँ पर बहुत से लोग अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा यहाँ पे कि देखिए अल्कोहल को थोड़ा सा मॉडरेट में, मैं तो यही कहूँगा छोड़ दो, लेकिन मॉडरेशन में रखें, क्योंकि अगर आप अल्कोहल अगर आप बॉडी में ले रहे हैं तो आपके जितने भी जो विटामिंस हैं, आप जितने मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, वो डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे। आप भले कितने भी मिनरल्स विटामिंस ले रहे हैं, आप जॉइंट सपोर्ट भी ले रहे हैं, आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में अगर अल्कोहल है तो वो प्रॉब्लम करेगा उसके एब्जॉर्प्शन में। तो आपको इस चीज़ को समझना है, मैं यहाँ पे बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूँ, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके की अगर हरकतें अगर आपकी लाइफ में होगी तो जॉइंट और ये जो बॉन्स प्रॉब्लम है ये तो 100% फिर रहेगा ही रहेगा। तो आपने चेक करना है आपकी डेली रूटीन लाइफ में, क्या आप ये जो मैंने बताए हैं फूड्स, ये आपकी लाइफ में है, मतलब आपकी रूटीन लाइफ में है, अगर इसको है तो आप इसको कम करें। और जो मैंने आपको मिनरल्स विटामिन बताए इनको आप ऐड करें। अब बात करते हैं हम कि कैल्शियम टैबलेट, जो हर्बल लाइफ की कैल्शियम टैबलेट है जॉइंट सपोर्ट, तो ये क्या है, इनके अंदर वो सारे विटामिन जो मैंने आपको बताए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आपकी एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी एक एक टैबलेट भी ऐड करते हैं, दिन की एक टैबलेट दो टैबलेट भी ऐड करते हैं, तो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की 1000 mg की, और ये सारी ये चीज़ें आपकी पूरी हो सकती है। तो आप नो डाउट आप अगर आप चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है यानी कि आपका कार्टिलेज मतलब खत्म हो चुका है बहुत ज़्यादा आपका है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जॉइंट सपोर्ट को ऐड सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो कार्टिलेज है वो बनना वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और एज अगर ज़्यादा है, मतलब लगभग मैं अगर बोलूँ 30-40 साल से 50 साल से ऊपर एज है, तो उनको थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि आप जॉइंट सपोर्ट और आप जो कैल्शियम है वो आप ऐड कर सकते हैं, आपकी बॉन्स के लिए, आपकी स्ट्रांगनेस के लिए आपको बढ़िया रहेगा। फिर धीरे धीरे आप भले नेचुरल डाइट पर आ सकते हैं, लेकिन एक मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप नेचुरली तौर पर अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो, ओके। तो यही मेरी आज वीडियो में था कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि जॉइंट सपोर्ट और जो आपका बॉन्स की जो प्रॉब्लम है अगर ये हो रही है, तो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आप ये भी न्यूट्रिशन आप ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा नेचुरली भी आप उसको पूरा कर सकते हैं, ओके। होप कि मैं आपको पूरे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन में मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको और बेटर से बेटर मेरी जो मेरा नॉलेज है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बताइए कि मुझे कौन से और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।